हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जिसके जोड़ों का लुब्रिकेट खत्म हो चुका है, जॉइंट पेन की समस्या हो चुकी है, गठिया की समस्या हो चुकी है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जिसको डायबिटीज की समस्या हो चुकी है, हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको चार ऐसे बीजों के बारे में बताने जा रही हूँ। साधारण से बीज हैं और साइंटिफिक तौर पर भी आपको बताऊंगी कि ये हमें क्यों लेने चाहिए, क्यों खाने चाहिए, और एक हेल्दी इंसान यानी कि तंदुरुस्त इंसान भी अगर इसका सेवन रोजाना करता है, कितनी मात्रा में करना है मैं आपको बता दूंगी, अगर रोजाना करता है तो उनको कोई भी तकलीफ जिंदगी में नहीं होगी। ये तो आप जानते ही होंगे, ज्यादा मात्रा में चाहे किसी भी चीज का सेवन किया जाए वो नुकसानदायक होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कौन से ये बीज है, कैसे इनका सेवन करना है। दोस्तों सबसे पहले बीज है पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज। दोस्तों इन कद्दू के बीजों के अंदर मैग्नीशियम, कॉपर, प्रोटीन, जिंक, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, बीटा कैरोटीन, ये सभी पोषक तत्व तो भरे पड़े हैं। अगर आप रोजाना इनका सेवन करते हैं तो जोड़ों के अंदर जो लुब्रिकेट सूख चुका है, कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं, दोस्तों ये जो कद्दू के बीज है ये दोबारा इन कार्टिलेज को बनाने का काम करते हैं। इसको लेने का तरीका बहुत ही साधारण है। दोस्तों आप सलाद खाते हैं ना, तो सलाद के ऊपर डालकर खा लीजिए, बहुत अच्छे से चबा चबा कर इन्हें अंदर निगल लीजिए। अगर आप सलाद के साथ नहीं लेना चाहते तो वैसे ही सिर्फ आधा चम्मच आपने चबा चबा कर निगलना है। इसे ऐसे समझ लीजिए इतना चबाना है कि इसका पेस्ट बन जाए। साथ में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी रख लीजिए, इसे चबाने के लिए हल्का सा एक घुट पानी पी लीजिए और इसे अच्छे से चबा कर अंदर निकलेगा। दोस्तों इसके अंदर पाया जाने वाला पोटेशियम हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, दिल की नसों को मजबूत बनाता है, हमारी बॉडी में कभी भी बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को ये नियंत्रित करता है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हड्डियों की कमजोरी या हड्डियों का खोखला होना कहते हैं, उससे हमें बचा कर रखता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। रोजाना सिर्फ आधा चम्मच कद्दू के बीज खाना काफी है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरे बीज के बारे में, वो है अलसी। गर्मियों में कैसे सेवन करना है, कितनी मात्रा में सेवन करना है आपको जरूर बताया जाएगा। दोस्तों अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। आप इनका सेवन बेधड़क होकर कर सकते हैं। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करते हैं। यूरिक एसिड जिसे गाउट कहा जाता है, ये उस तकलीफ को तो पूरी तरह से शरीर से बाहर कर देते हैं। स्किन पर ग्लो लाते हैं। बालों की कोई भी समस्या हो, बालों का झड़ना हो, बालों में डैंड्रफ हो, बाल बहुत रूखे रहते हो, या फिर बाल टूटते बहुत जल्दी हो, एक होता है झड़ना, एक बालों का होता है टूटना यानी बेजान होना, ये समस्या हो, तो इन सभी समस्याओं में अलसी बहुत फायदेमंद है। अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं। दोस्तों ये हमारी भूख को भी नियंत्रित करती है, वजन को कंट्रोल करती है, डायबिटीज को क्योर करती है। अब जान लेते हैं इसे लेना कैसे है। आपने सिर्फ आधा चम्मच अलसी को एक गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह ये जेल की तरह बन जाएगी। दोस्तों इस तरीके से इसका सेवन कर लीजिए, कोई भी तकलीफ हो नहीं सकती। एक चीज आपको बता देती हूँ, आप कहे कि हम 2 चम्मच खा लें, 3 चम्मच खा लें, तो नहीं दोस्तों, औषधि के तौर पर सेवन कीजिए, इसे भोजन समझकर सेवन नहीं कीजिए। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट बीजों की, वो है तिल। तिल आप सफेद भी ले सकते हैं, काले भी ले सकते हैं, ये कमजोरी को पूरी तरह से दूर करते हैं। इन तिलों के अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन अच्छी मात्रा में होता है, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा होता है। दोस्तों ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भरने का काम करती है, वजन को भी कम करती है क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, पेट के रोगों को दूर करती है क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। इसे लेने का भी गर्मियों में एक ही तरीका है, रात को आधा चम्मच एक गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह अच्छे से आप इसे चाहे तो किसी तरीके से पेस्ट बना लीजिए या वैसे ही दांतों से चबाकर अंदर निगल लीजिए। दोस्तों अगर यूरिक एसिड की समस्या हो, किसी को बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, बुरे कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको बता दूं कि सफेद तिल जो है इनके अंदर गुड फैट पाया जाता है यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो इसमें बहुत कम होता है। तो बहुत आराम से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप तिल के जो तेल होता है उसकी सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको जॉइंट पेन रहता है उनको तो वैसे भी तिल के तेल से ही सब्जी बनानी चाहिए, जैसे कि 15 दिन किसी और तेल का इस्तेमाल कर लिए तो 15 दिन महीने में जरूर तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट 15 दिन फिर आपने किसी और तेल का इस्तेमाल किया तो 15 दिन तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए, ये जोड़ों के लिए काफी फायदेमंद होता है।
दोस्तों लास्ट और चौथे बीज की बात करें तो वो है तरबूज के बीज यानी कि वाटरमेलन के बीज। अगर किसी इंसान का नर्व सिस्टम बहुत कमजोर पड़ चुका है, नसें कमजोर हो चुकी हैं, एथन में रहती हैं या स्किन पर ग्लो नहीं है, दिल की समस्या हो चुकी है, हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, डायबिटीज की समस्या है, डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा, मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते, यानी कि इतनी सारी तकलीफें हैं, फिर भी आपने तरबूज के बीजों का इस्तेमाल करके ये सारी तकलीफों को जीत सकते हैं, सारी तकलीफों को बॉडी से बाहर कर सकते हैं। एक चीज मैंने आपको पहले भी बता दी कि अगर कोई तंदुरुस्त इंसान इन चारों बीजों का सेवन करता है तो उन्हें भविष्य में कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों तरबूज के बीजों को भी आपने ऐसे ही सेवन करना है, रात को भिगो दीजिए और सुबह चबा चबा कर खा लीजिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्या इन चारों बीजों को एक साथ यूज करना है, क्या चारों बीजों का इस्तेमाल रोजाना ही करना चाहिए? तो नहीं दोस्तों, चारों बीजों का इस्तेमाल आपने रोजाना नहीं करना, आप सिर्फ दो बीजों का इस्तेमाल रोजाना जरूर कीजिएगा। अगर आप दो का भी नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तो एक दिन एक बीज का इस्तेमाल कर लीजिए, दूसरे दिन दूसरे बीज का इस्तेमाल कर लीजिए, तीसरे दिन तीसरे बीज का इस्तेमाल कर लीजिए और चौथे दिन चौथे बीजों का इस्तेमाल कर लीजिए। यानी कि रैंडमली ऐसे घुमाते जाइए ताकि बॉडी को सारे न्यूट्रिशन मिल जाए, किसी विटामिन किसी न्यूट्रिशन की कमी बॉडी में नहीं हो। दोस्तों ये जो चारों के चारों बीज हैं अपने आप में पावरफुल हैं, तो एकदम से चारों बीजों का इस्तेमाल नहीं करें, आप अलग अलग दिन अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, आपका इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।